शुक्रवार को शहर के एक स्थानीय होटल में कांग्रेस द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा व नगर अध्यक्ष मदन मोहन शर्मा का कांग्रेस पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, कांग्रेस वरिष्ठ नेता महेश पाठक, यामिनी रमणाचार्य, आविद हुसैन, संजय चतुर्वेदी, जेपी पाठक, तिलकवीर चौधरी इत्यादि उपस्थित रहे। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष को बधाई देते कहा कि दोनों अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। इस दौरान पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक, यामिनी रमणाचार्य ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। प्रदेश नेतृत्व में जिलाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी दी गई है तो आने वाले समय में कांग्रेस कार्यकर्ता चुनावों के मद्देनजर संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोलते कहा कि भाजपा सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख गढ़ मथुरा को के किले को सहने के लिए इस तरह के जुझारू अध्यक्ष बनाए गए हैं और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के किले को ये दोनों तोड़ेंगे और सांप्रदायिक ताकतों को बिल्कुल नेस्तनाबूत करेंगे। जिस तरह की भ्रामक प्रचार भारतीय जनता पार्टी करती है, झूठ बोलती है, यमुना प्रदूषण के नाम पर जनता को गुमराह किया, महंगाई सातवें आसमान पर है, सड़कों की दुर्दशा है, इनके मंत्री जी मिलते नहीं हैं, 4.5 साल नहीं मिले, अब दिखने लगेंगे इलेक्शन के टाइम पे, उनकी नीतियों का पर्दाफाश करेंगे और जनता से जुड़ी हुई हर समस्या के लिए संघर्ष करेंगे। आने वाले चुनाव, विधानसभा के चुनाव में इन लोगों की बहुत अहम भूमिका रहेगी। अपनी टीम के साथ ये मेहनत करेंगे और हमें उम्मीद है कि 5 में से कम से कम 4 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। जनता, भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा से उब चुकी है और कांग्रेस की तरफ देख रही है। हमें उम्मीद है कि ये अपनी कसौटी पे खड़े उतरे। इनको पार्टी ने एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी दी है। अभी आगामी विधानसभा होने वाले हैं। जनता, आपको मालूम है, मथुरा में जो विधायक और महानगर हैं उनसे त्रस्त है, तो आज इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संघर्ष करें और जो भी हमारे विधायक के चुनाव लड़ें उनको सक्सेस कराएं। वही इनके ऊपर जो पार्टी ने विश्वास किया है वो सच्ची इनकी मेहनत होगी। बहुत अच्छी कहावत है कि वॉट एवर हैपन्स दैट हैपन्स फॉर बेटरमेंट। जो कुछ होता है वो सुधार के लिए होता है, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। आज जो बने हैं, कोई नए दूसरे बनेंगे, उनको भी शायद सुधार का स्कोप रहेगी। इसलिए संगठन में जो हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्ष थे उनका भी कार्यकाल अच्छा था, उनकी उपलब्धियां थी, और आज जो शहर अध्यक्ष हुए हैं, नए जिला अध्यक्ष हुए, शहर अध्यक्ष हुए, इनको भी संगठन को, और ये खासतौर से विधानसभा का चुनाव आ गया तो इसको देखते हुए सोचा गया, मेरे विचार से हाईकमांड ने इनके ऊपर दायित्व सोचा कि भाई आप मजबूती से इस वाले चुनाव को लड़िए और जितवाइए कांग्रेस को। मकसद होता है लोकतंत्र में चुनाव, प्रक्रिया का अंग है। तो मैं इन दोनों को साधुवाद देता हूँ। इसी के लिए आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इन लोगों ने करी थी, जो होती है हमेशा। कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा, नगर अध्यक्ष मदन मोहन शर्मा ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसको बखूबी निभाएंगे, आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है, पहले तो मैं इनका आभार व्यक्त करूंगा, अपनी पार्टी हाईकमान का और मथुरा के श्री प्रदीप CLP लीडर प्रदीप माथुर जी का एवं AICC सदस्य महेश पाठक जी का और अपनी पार्टी हाईकमान का और अपने कार्यकर्ताओं का जिनके सहयोग से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ संगठन ने जो जिम्मेदारी है पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निभाऊंगा। पार्टी हाईकमान ने जिस तरह मुझे जिम्मेदारी दी है उसका मैं सबसे पहले हमारे CLP लीडर श्री प्रदीप माथुर जी, AIC सदस्य, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री महेश पाठक जी, श्री आबिद हुसैन जी, गीताजी पाठक जी, अन्य सभी साथी वरिष्ठ कांग्रेसजनों, कार्यकर्ताओं और मथुरा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके आशीर्वाद से मैं आज जिला अध्यक्ष तक पहुंचा
और मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूँ, पार्टी हाईकमान ने जिस तरह मुझ पर विश्वास किया है, भविष्य आने वाले चुनावों में निश्चित रूप से कांग्रेस 3 सीटें विधानसभा की जीतेगी।